नेक्स्ट है हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी, ये भी केमिस्ट्री की टर्म है। नॉर्मली हीट फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हीट का, हीट का फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। मैंने एम यूज किया तो छोटा सी यूज करूंगा, स्पेसिफिक हीट मोलर नहीं है ये, सिंपल स्पेसिफिक हीट है। तो अगर कोई कहे कि सर सब्सटेंस तो एम है, सब्सटेंस तो मेरे पास एम है, स्पेसिफिक हीट उसकी सी है, पर मैं उस एम सब्सटेंस का राइज इन टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस करवाना चाहता हूं, तो डेल्टा टी को 1 पुट कर दूंगा, तो इस बची हुई क्वांटिटी को, इस अमाउंट ऑफ हीट को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी कुछ नहीं है, हीट कैपेसिटी हीट है जब राइज इन टेम्परेचर क्या करना पड़ता है हमें, 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस केस में हीट कैपेसिटी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम इंटू फॉर्मूला क्या है इसका, सी फॉर्मूला है। अब इसके यूनिट्स क्या बनेंगे, यूनिट्स बनेंगे क्योंकि हीट का फॉर्मूला हमने क्या लिया था, एम सी डेल्टा टी। अब ये हीट डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर करवाती है, पर अपने को हीट चाहिए पर डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्मूला है एस का। तो अब लिख लें प्लीज असाइनमेंट में, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई लिख लें। कई बार न्यूमेरिकल एम सी यूज करते हैं, कई बार क्यू अपॉन डेल्टा टी यूज करते हैं, दोनों हीट कैपेसिटी के फॉर्मूलाज हैं। तो यूनिट्स क्या बने इसके, जूल पर डिग्री सेल्सियस इसके यूनिट है, ये नोट कर लें प्लीज, या तो एम इन टू सी या क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, एक ही बात है। फॉर्मूला बुक ये बुकलेट में कर लें साथ ही। आता